तो गाइस काफी टाइम के बाद मैं ऐसी एक वीडियो लेकर के लिए आया हूँ। वेल चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल है, आप लोगों का भी आने वाली है। अगर आपका बजट 20,000 रुपए है और आप सोच रहे हो कि मुझे इसके अंदर एकदम तबाही फोन लेना है जिसमें मैं गेमिंग कर सकूं, तो आपका भाई वापस आ गया है। अगर भरोसा करते हो तो वीडियो एंड तक देखो। मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन फोन सारे अच्छे होने वाले हैं। 8 फोन इसके अंदर आपको बताने वाला हूं, 8, 7, 6 इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 जो फोन होगा, ऐसा नहीं है सीधा आगे भाग जाओ, सुन लेना, बीच में और भी अच्छे फोन है और कीमत का भी फर्क पड़ता है भाई। सारे 20,000 के ही नहीं है, कुछ कम के भी हैं, तो सुन लेना आराम से। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जाना, बटन दबा के तोड़ डालो आज तो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाल बटन को ग्रे कर देना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, देख लेते हैं पहला कौन सा फोन है। अब देखो नंबर 8 पे जो हमारा फोन आता है उसका नाम आपको बता दूं, पोको M2 प्रो। वैसे मॉडल 2020 का है और इस वीडियो में और भी 2020 के होने वाले हैं, लेकिन बात है हमारी कीमत की और परफॉर्मेंस की। तो देखो इस फोन के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन की। 6.67 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है जो कि काफी बड़ी है। अगर आप गेमिंग के पर्पज से देखते हैं, आप इस पे आराम से गेमिंग कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपनी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और वहीं इस फोन के अंदर आपको 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके साथ में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इधर आपका फोन डाउन हुआ, आपने चार्जिंग पे लगाया और कुछ ही मिनटों में आपका फोन चार्ज हो जाएगा और आप उस पर अगेन गेमिंग कर सकते हो। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 720G मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। बहुत ज्यादा नया प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन इतना पुराना भी नहीं है कि आपको इस फोन के ऊपर गेमिंग ना करा सके। गेमिंग के मामले में एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस आपको ये प्रोसेसर देने वाला है। अब इस फोन के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जहां पे पहला वेरिएंट है 4GB रैम के साथ में 64GB इंटरनल स्टोरेज का, इसकी कीमत आपको पड़ती है 13,000 रुपए। दूसरे वेरिएंट की बात करते हैं, वो आता है आपका 6GB रैम के साथ में 64GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको कीमत पड़ती है 14,000 रुपए। वहीं बात करते हैं इसके हायर वेरिएंट की, तो उसके साथ में आपको 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 16,000 रुपए। और इस फोन के अंदर एक छोटा सा कॉन मुझे ये लगा है कि आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा नहीं मिलता, जो कि मेरे ख्याल से इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, आप देख रहे थे कोई गेमिंग फोन इस बजट में, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हो, फोन अभी भी काफी ज्यादा अच्छा है। और बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो बात कर लेते हैं अगले फोन की, तो वो भी पोको की तरफ से ही है, जहां पे इसका नाम पोको X3 में भी आप लोगों को जरूर पता होगा इसके बारे में। फोन के अंदर आपको सबसे पहली चीज तो जो अच्छी देखने को मिलती है वो मिलती है स्क्रीन के साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि गेमिंग फोन के लिए अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं मिले तो भी ठीक है, 90Hz में भी आपका काम चल जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे थे जिसमें अच्छा रिफ्रेश रेट हो, तो इसके साथ में आप जा सकते हो। 6000 एमएच की आपको बैटरी मिल जाती है, 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको कैमरा मिल जाता है, ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है। और इसी के साथ में डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग के पर्पज से देखते हैं तो आपके लिए फोन भी अच्छा रह सकता है। इसके अंदर भी आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। पहला जो वेरिएंट है वो आपका आता है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में 15,000 रुपए में। दूसरे वेरिएंट की बात करते हैं, तो वहां पे आपको मिलती है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी कीमत आपको पड़ती है 17,000 रुपए। और जो तीसरा वेरिएंट है उसकी कीमत है 19,000 रुपए, और इसके अंदर आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें से आप अपने लिए कोई भी चूज कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। फोन काफी ज्यादा अच्छा है और आप इस पे अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस भी ले पाओगे। अगले फोन की बात करते हैं, तो वो आ रहा है Realme की तरफ से, Realme 8 सीरीज का, यानी कि Realme 8 की ही मैं यहाँ पे एक्जेक्टली बात कर रहा हूँ। अब इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं, 6.4 इंच की पहले फोन से मुकाबले थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है, लेकिन इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं है। और खास बात क्या है, इसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, तो जो कि आपका काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी रहेगी और इसके साथ में आपको काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके मेन कैमरा की बात करते हैं, तो 64 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपका रियर में माउंट किया गया है। और वहीं अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G95 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और एक गेमिंग प्रोसेसर है, इसके साथ में आप काफी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। और इस फोन के अंदर भी आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहले वेरिएंट की बात करते हैं, तो 15,000 में आपको मिलता है 4GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज का कॉम्बिनेशन। वहीं बात करते हैं 16,000 की, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। और अगर बात करते हैं 17,000 की, तो वहां पे आपको मिल जाती है 8GB रैम के साथ में 128GB
इंटरनल स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपकी हर बार जो रैम होगी सिर्फ वो चेंज हो जाएगी, आपकी इंटरनल स्टोरेज 128 GB आपको मिलने वाली है। तो इनमें से आप अपने बजट के अनुसार कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हमारे पांचवे नंबर के फोन की, तो वो है Redmi की तरफ से आने वाला Note 10 Pro। सिर्फ Note 10 Pro बोल रहा हूँ, आगे पीछे कुछ मत समझ लेना। अब किस फोन के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ चीजें मिलती हैं। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन की, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिसके साथ में आपको 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। मतलब हर तरह से स्क्रीन के मामले में तो Redmi ने तबाही मचा दी है। और अगर वही बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 5020mAh की बैटरी मिलती है। पता नहीं 5020mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे आप 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ में अपने फोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। वही बात करते हैं इसके प्राइमरी कैमरा सेंसर की, तो आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिल जाता है, जिसको यूज करके आप अपनी फोटोग्राफी को भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर भी आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसके साथ में रहने वाली है। ना बात कर लेते हैं फोन के अंदर आपको कितने वेरिएंट्स टोटली देखने के लिए मिलते हैं और क्या प्राइसिंग पे। और इसका जो पहला वेरिएंट है वो आपको मिलता है 6GB की रैम के साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसके लिए आपको पे करने होते हैं 16,000 रुपए। वहीं दूसरे वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपकी रैम तो सेम रहती है 6GB की, लेकिन इंटरनल स्टोरेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जो कि 128GB हो जाती है, और इसके लिए आपको पे करने होते हैं 17,000 रुपए। वही बात करते हैं इसके हायर वेरिएंट की, तो इसके लिए आपको 19,000 रुपए पे करने होते हैं, जिसमें आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो ये डिवाइस भी आप चूज कर सकते हैं अगर आपके बजट में फिट होता है। काफी अच्छा एक फोन है जिसपे आप गेमिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे उस फोन पे जो कि नंबर 4 पे आता है, और वो है Realme की तरफ से आने वाला नार्जो 30 प्रो। और इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो इस फोन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं 6.5 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है, जो कि फुल HD रहने वाली है, IPS स्क्रीन आपकी है, LCD आप इसको कह सकते हैं, AMOLED स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो 2.5D इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में एडिशनली चीज क्या मिल जाती है, ये फोन 5G है। अभी तक जो भी फोन मैंने आपको बताया थे उनके अंदर आपको 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस फोन के अंदर आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं तो फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हो। यहां पे आपका फोन 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। और बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमें देखने को नहीं मिलता, यहां पे हमें मिलता है MediaTek की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर, जो कि 5G है, और इसी की वजह से इस फोन को 5G कैटेगरी में शामिल भी किया गया है। लेकिन गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है, आप इसको चूज कर सकते हैं फोन को अगर गेमिंग करना चाहते हैं। बाय द वे इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, क्या-क्या हैं जरा देख लेते हैं। पहला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलती है 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसके लिए आपको पे करने होते हैं 17,000 रुपए। वहीं दूसरे वेरिएंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको मिलती है 8GB की रैम और साथ में मिलती है 128GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसके लिए आपको पे करने होते हैं पूरे 20,000 रुपए। तो फोन थोड़ा सा मुझे बाकी फोन के मुकाबले महंगा लगा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 5G का है, हो सकता है इसके चलते महंगा हो गया हो। अगर आपके पास में बजट है और आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जो पावरफुल हो, 5G हो, जिसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ मैं आगे और बताने वाला हूं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं बजट को देखते हुए। और इस फोन के अंदर आपको जो मेन कैमरा सेंसर मिलता है वो 48MP का मिलता है। अब बात करते हैं अगले फोन की, तो वो भी Realme की तरफ से है, जो कि है Realme की लेटेस्ट सीरीज Realme X7। अब इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की स्क्रीन की। तो यहां पे आपको 6.4 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वहीं इस फोन की बात करते हैं, तो इस फोन के अंदर भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 4310mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि अभी 5 या 6 हज़ार का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो 4300mAh का कोई सेंस नहीं बनता है। और साथ में इसे चार्ज करने के लिए आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अभी तक मैंने जितने फोन बताए थे उनके अंदर 33W तक ही फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इसके अंदर आपको 50W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके फोन को बहुत जल्दी चार्ज करने में आपकी मदद करने वाली है। प्राइमरी कैमरा सेंसर की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है पिछले वाले के जैसे जैसे। उसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 800U मिलता था, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, वही सेम प्रोसेसर आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिलता है। अब
कुछ चीजें इस फोन के अंदर अच्छी हैं पुराने वाले मॉडल से, कुछ चीजें थोड़ी सी कम हैं, लेकिन सारी बात आती है प्राइसिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो 6GB और 128GB वाला वेरिएंट मिलता है, जहाँ पे 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज रहने वाली है, वहां पे आपको देने होते हैं पूरे 20,000 रुपए। और अगर दूसरे वेरियंट की बात करते हैं जो कि 20,000 के बाहर चला जाता है, उसके लिए आपको 22,000 देने होते हैं, वहां पे आपको 8GB की रैम और साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। अब मेरे हिसाब से फोन थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि स्पेक्स में हमें बहुत ज़्यादा खास चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं अगर ये फ़ोन थोड़ा सा हायर जाता है तो कहीं कहीं इसमें कॉस्ट कटिंग भी की गई है, और उसको देखते हुए अगर इतने ज़्यादा प्राइसिंग कंपनी मांगती है तो मेरे ख्याल से वो चीज़ बिल्कुल ओवर प्राइस्ड है। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस से ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है, गेमिंग की नज़र से काफ़ी अच्छा है। और मेरा आपको जो मोटिव है फिलहाल में बताना, वो गेमिंग फ़ोन है। अगर आपके बजट में ये फ़ोन फिट होता है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा मैंने पीछे भी कहा था और भी फ़ोन्स हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे नंबर पे आने वाले फोन की। पीछे हमने बात की थी Redmi Note 10 Pro की, अब हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Max की। तो ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा सा महंगा और थोड़ा सा और बेहतर होने वाला है। क्या कुछ इस फोन के अंदर है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस फोन की स्क्रीन जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव आप लोगों को लगने वाली है, 6.67 इंचेस की फुल HD स्क्रीन है। और इसका रेजोल्यूशन की अगर बात करते हैं, वेल ऑलरेडी बता चुका हूं फुल HD है। यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, और इसके साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीन बिल्कुल अच्छी है और उसको बिल्कुल सेफ बनाने का भी काम कर लिया गया है। और स्क्रीन आपको बता दूं कौन सी है, यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन को इस डिवाइस में इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस डिवाइस को थोड़ा सा महंगा भी बना देती है और थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेसिव भी बना देती है। वहीं बात करते हैं फोन में बैटरी की, तो जैसा पिछले डिवाइस में हमने देखा था 5020mAh की बैटरी इस डिवाइस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है। चार्जिंग आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 33W बिल्कुल पहले जैसे डिवाइस के जैसे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। 33W की चार्जिंग के साथ आप अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कैमरा में बहुत ज़्यादा ह्यूज अपग्रेड है यहाँ पे। अभी तक आपको जितने भी फोन मैंने बताया उनमें या तो आपको 48MP का कैमरा मिल रहा था या फिर आपको 64MP का कैमरा मिल रहा था। इस फोन के अंदर आपको 108MP का कैमरा देखने को मिलता है, जिसके साथ में आप काफी अच्छे फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, काफी ज्यादा डिटेल्स और काफी ज्यादा मतलब समझ सकते हैं आप लोग 108 मेगापिक्सल का कैमरा कितने ज्यादा मायने रख सकता है बाकी उनके कंपैरिजन में। और अब आते हैं इसकी मेन चीज पे जो कि है इसका प्रोसेसर। तो इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, जो कि अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा नया तो मैं इसको भी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी और भी प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से आ गए हैं, लेकिन गेमिंग प्रोसेसर के हिसाब में अच्छा है, आप इसके साथ में गेमिंग कर सकते हो। और हाँ, इस फोन के अंदर हमें 5G देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं इस फोन के वेरिएंट्स की। अब सबसे पहले वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 6GB की रैम मिल जाती है और साथ ही 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इसके लिए आपको खर्च करने होंगे पूरे 19,000 रुपये। दूसरे वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6GB की रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके लिए आपको खर्च करने होंगे पूरे 20,000 रुपए। अब जो इसका हाईर वेरिएंट आता है, हालांकि वो 20,000 के बाहर जा रहा है, लेकिन जब यहां तक आ गए हैं तो आपको बता देता हूं, इसके साथ में आपको 8GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और इसके लिए आपको पे करने होंगे 22,000 रुपए। तो अगर आपका बजट इतना है और आप कोई फोन देख रहे थे तगड़े स्पेक्स के साथ में, तो मेरे ख्याल से ये फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। हालांकि इसके अंदर एक कमी मुझे लगी है जो कि 5G फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें फोन के अंदर अच्छी है। तो अगर आपको पसंद है ये फोन, आप Redmi का फोन पसंद करते हैं एंड गेमिंग करना चाहते हैं के साथ में, तो ये फोन भी आप चूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नंबर वन फोन की, और इसको नंबर वन पे क्यों रखा है आप लोग समझ जाओगे, नहीं समझोगे कोई बात नहीं, मैं बता के भी जाऊंगा, सस्पेंस में आप लोग को नहीं रखूंगा, एग्जैक्ट रीजन आपको मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के स्पेक्स की और शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD+ स्क्रीन मिलती है, जो कि एक आपका IPS स्क्रीन है, और इसके अंदर आपको एडॉप्टेड रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपका कंटेंट 60Hz का होगा तो 60 पे चलेगा, 90Hz का होगा तो 90 पे चलेगा, 120 होगा तो 120 पे होगा। 120Hz तक का रिफ्रेश रेट इसके अंदर सपोर्ट दिया गया है। और वहीं अगर बात करते हैं फोन की बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 5160mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ऑब्वियसली मिलता है, 33W के साथ में आप इसको चार्ज कर सकते हैं। 48MP का मेन कैमरा इस डिवाइस के अंदर मिलता है, यानी कि वही आपका जो रियर कैमरा होता है। और वहीं अगर बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो भाई ये वो चीज है जिसके बारे में ये फोन इसको नंबर वन बनाता है। इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिलता है, जो कि दो जनरेशन बेशक पुराना है लेकिन फ्लैगशिप है। अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेसर बताए थे वो 700 सीरीज के थे या फिर मीडिया टेक के थे, तो वहां पे वो ना तो फ्लैगशिप थे ना ही बिल्कुल मिड रेंज थे, मीडियम में आते थे। लेकिन ये प्योर फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जिसके साथ में आपकी परफॉर्मेंस एकदम तवर तोड़ रहने वाली है।
तो असली गेमिंग फोन अगर आप किसी को समझते हैं सारे फोन के अंदर, तो जाहिर है यही होने वाला, क्योंकि नंबर एक पे हमने इसको रखा है। और इस फोन की अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जहां पे आपका 6GB रैम के साथ में अगर आप लेते हो 128GB के इंटरनल स्टोरेज तो आपको पे करने होंगे पूरे 19,000 रुपए। वहीं अगर आप लेते हो 8GB रैम के साथ में 128GB के इंटरनल स्टोरेज तो उसके लिए आपको थोड़े से ज्यादा पे करने होंगे, यानी कि 21,000 रुपए आपको टोटल वहां पे करने होंगे। और आप इस डिवाइस को ले सकते हैं, इसके साथ में काफी कुछ अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही थे कुछ डिवाइसेस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन डिटेल में बताने की कोशिश की है, जो जो चीजें आपके साथ में बताना जरूरी था। बाकी आप लोग अगर चाहो तो कोई भी मॉडल आपको पसंद आ रहा है, आप जाकर के खुद की अपनी रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, बाकी चीजें भी देख सकते हो फोन के अंदर क्या क्या मिलती है, क्योंकि मैंने मेन मेन चीजें बताई हैं, वरना तो वीडियो और भी लंबा हो जाता। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको बढ़िया लगी है, मजा आया है जानने में, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। फ्यूचर रिकमेंडेशन देना चाहते हो वीडियो टॉपिक्स के लिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल्स पर, लिंक नीचे है। और छोटे मोटे टेक अपडेट जानना चाहते हो तो नया चैनल बनाया है VGM शॉर्ट्स, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, नए वीडियोस आपको वहां पे मिलते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं 15-20 सेकंड्स के, कभी 30 सेकंड्स के, तो वो आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।